हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सरदार निशान सिंह ने कहा कि लाठीचार्ज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। निशान सिंह ने कहा कि हम भी किसान हैं और किसानों की बात को सुनना चाहिए और उसके दर्द को समझना चाहिए। किन्हीं भी परिस्थितियों में यदि किसान वर्ग को अपनी मांगे रखनी है और परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती तो बातचीत के जरिए भी समस्या का समाधान किया जा सकता था। फिलहाल सरकार ने पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट में जो भी अधिकारी कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने भी घटना को अफसोसजनक बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने किसानों के दर्द को बारीकी से समझते हुए और उन्हें भी 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करके रिपोर्ट देने को कहा है। जल्द ही किसानों पर लाठीचार्ज की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचेगी और जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों की मांग को लेकर बराला ने कहा कि अध्यादेशों को लेकर किसानों के मन में जो भी शंकाएं हैं उन्हें बातचीत के जरिए सरकार के समक्ष रखकर किसानों को अपनी शंकाएं दूर करनी चाहिए। न्यूज वन हरियाणा के लिए फतेहाबाद से सतीश खटक की रिपोर्ट। देखिए, एक तो सारी इसकी जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री जी ने भी मांगी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी 3 सांसदों की एक कमेटी बनाई है जो इस सारे विषय के बारे में किसान नेताओं से भी बातचीत करेगी। ये जो कल का जो भी मामला है इसके बारे में बातचीत करेगी, किसान की समस्याओं के संदर्भ में भी बातचीत करेगी। तो ये रिपोर्ट आने के बाद इसके ऊपर अगली कोई टिप्पणी हो सकती है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने भी इस पर टिप्पणी कर कहा कि जो ये घटनाक्रम है वो गलत हुआ है, किसानों पर जो लाठीचार्ज करते हैं। जी भी इस प्रकार का मुद्दा होता है वो चाहे हम अपनी बात रखने वाले हैं या सरकार का विषय है, सब लोग अगर अपने दायरे में रह करके बात करेंगे तो उसका समाधान भी ठीक प्रकार से हो सकता है। किसानों की जो मांग है वो मांग है कि जो ये 3 अध्यादेश अभी केंद्र सरकार के द्वारा लेकर के आए गए हैं ये किसान विरोधी हैं। इसलिए मैं समझता हूँ सबसे पहले तो इसका समाधान किस प्रकार से हो, किसानों के मन से ये वहम किस प्रकार से निकले कि ये उनके खिलाफ नहीं उनके पक्ष में है। क्योंकि मेरी भी बहुत सारे किसान नेताओं से बातचीत पहले भी हुई है, वर्तमान में भी हो रही है, कि एक ही उनके मन में शंका है कि इसके आने से जो MSP है वो MSP ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये बार बार ये किसान नेताओं को और आम किसान को भी ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि MSP किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं किया जा रहा। और जहाँ तक आंदोलन की बात है, लाठीचार्ज की जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से, इस प्रकार का कोई भी घटनाक्रम लोकतंत्र में वैसे स्वीकार्य नहीं होता, लेकिन परिस्थितियाँ वहाँ पर क्या रही हैं ये सारा जांच के बाद सामने आएगा। हम तो इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। पहले तो हर नागरिक को, जो भारत का नागरिक है, उसको चाहिए कि जो कोरोना महामारी में से हम निकल रहे हैं उसकी जो प्रिकॉशन है वो लेनी हर बंदे के लिए ज़रूरी है। चाहे हमारी कितना भी ज़रूरी कोई मांग हो, कोई बात हो, तो उसको बैठ करके हल किया जा सकता है। और ऐसा शायद प्रयास भी प्रिंसिपल टू CM ने किया है, मिस्टर खुल्लर ने, कृषि मंत्री ने भी और लोगों ने भी बातचीत करने की कोशिश की है, उनको अपील भी की। हम भी किसान हैं,
हम भी किसान के भले की बात चाहते हैं कि किसान का कोई नुकसान ना हो, किसान अन्नदाता है देश के लिए, रात दिन एक करके जो है ना कार्य करता है। तो जहाँ तक लाठी चार्ज की बात है उसको हम दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। जिन लोगों ने ऐसा किया है मैं तो ये कहूँगा कि इंक्वायरी हो उनके ख़िलाफ़, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। क्या लगता है आपका फेयर इंक्वायरी हो पाएगी? ये तो सवाल अभी नहीं खड़ा होना चाहिए कि फेयर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं होगी? सरकार ने भी इस बात को माना है कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए था। तो सरकार भी चाहेगी कि फेयर इंक्वायरी हो। किसान तो हरियाणा के हैं, हरियाणा की सरकार उनकी वेलफेयर के लिए सोचती भी है, सोचेगी भी। तो जिन लोगों ने इस तरीके में ये फ़र्क डालने की कोशिश की है उनके खिलाफ़ तो फेयर इंक्वायरी हो करके कार्रवाई होनी चाहिए।